देखिए हम लोग 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको, जिसके शून्यको का योगफल और गुणनफल देकर के रखा है। शून्यको का योगफल ये है 1/4 और गुणनफल कितना है, ऋण 1। शून्यको का योगफल और गुणनफल, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। देखो आपको जो दिया है उसको सबसे पहले समझ लो, आप क्या दिया है। तो हमको दिया है शून्यको का योगफल, क्या दिया है, शून्यको का योगफल, और वो कितना दिया है 1/4, और क्या दिया, शून्यको का गुणनफल, और वो कितना दिया है, ऋण 1 दिया है, ये दे करके रखा है। लेकिन इसके संबंध में फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही तो देकर के रखी है, शून्यको का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य का आपने अल्फा बीटा मान लिया, तो शून्यको का योगफल अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल माइनस बी अपॉन में ए। वही शून्यको का गुणनफल की बात करें तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब गुना, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या देकर के रखिए, -1 इज इक्वल क्या है भैया, सी अपॉन ए। एक बात समझ में नहीं आई, क्या नहीं आई, कि यहाँ ए की वैल्यू 4 है लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। तो फिर क्या करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि जो बड़ा नंबर रहता है वो बना लेते हैं। जैसे 4 बनाया जा सकता है, 1 नहीं बनाया गया है ना, 1 बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को 4 बना लेंगे। तो 1 को 4 बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किसी नंबर में छेड़छाड़ कर नहीं सकते गणित में, तो फिर क्या करना पड़ता है, हम उसके ऊपर 4 लगा लेते हैं, अब हो जाएगा बराबर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जैसा का वैसा रहेगा, मतलब ये नंबर में कोई छेड़खानी की क्या नहीं करी, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या हो जाएगा, 4 × 4 4 एकम 4, तो ऋण में 4 और बटे में 4, ये सी अपॉन में ए आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब आपको यहां से ए का मान क्या मिला, तो ए का मान यहां से 4 मिला, बी का मान आपको क्या मिला, तो देखो बी यहां पे ऋण में है जबकि मैंने यहां धन में लिखा, मतलब ये वाला ऋण यहां आ जाएगा, या इसको नेक्स्ट स्टेप में -1/4 इज इक्वल बी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या मिली हमको, -1 सी, और उसके बाद में ए की वैल्यू तो हम लिख ही चुके हैं, देखो ए की वैल्यू 4, अब सी की वैल्यू चाहिए तो -4, सी की वैल्यू क्या, -4। देखो ए की वैल्यू यहां पे भी 4 है, ए की वैल्यू यहां पे 4 है, दोनों जगह सेम हो गए, मतलब हो गया, तो ए का मान आ गया। बी का मान -1 कहां से, ये देखो ये बी का मान -1 है ना, और सी का मान यहां से आ गया। अब इसका मान रखना पड़ता है हमको बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में, तो रख दो मान, ए की जगह कौन आ जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा -1, तो यहां आ जाएगा -1, और 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये x, और प्लस सी की जगह आ जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये पहला आपका बहुपद निकल गया। तो ऐसा अब आप सेकंड बहुपद निकालेंगे। अब सेकंड बहुपद कैसे निकलेगा देखो जरा, सेकंड क्या हमारे पास में कि रूट में 2 और 1/3, शून्यको का योगफल क्या देके रखा, शून्यको का योगफल अभी आपने देखा था कि शून्यको का योगफल आपके पास में यहां पर देकर के रखा है करनी में 2, ठीक, और शून्यको का गुणनफल क्या देकर के रखा है, गुणनफल क्या देकर के रखा है, तो गुणनफल आपको देकर के रखा है कितना भैया, 1/3 है ना, ये दिया है, ये तो दिया है ना, हाँ ये दिया है। अब हम बात करते हैं ज्ञात करने की, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है, जबकि अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपको दे रखा है करनी में 2 बराबर इससे -2/ है, इसके बदले में कुछ नहीं तो फिलहाल 1 लगा लिया। फिर गुणनफल कितना दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 दिया, सॉरी ये सी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना देकर के रखा है, 1/3 दिया है सी अपॉन ए। मतलब आपको एक बात समझ में आई कि ए का मान यहां 3 है जबकि ए का मान यहां 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 को 3 बना सकते हो, किसको क्या बना सकते हो, 1 को 3 बना सकते हो, 3 को 1 नहीं बनाना है ना, वो कठिन हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, इसको 1 को 3 बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रक्रिया, बताई आपको कि क्या करना है, क्या कर दो इसमें 3 का गुना, लेकिन ये नंबर छेड़खानी हो गई तो उसको क्या करो, ऊपर भी लगा दो तो वो नंबर से लेफ्ट से हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा, तो आंसर में हमारे पास -2/a। अब क्या होगा, देखो ए का मान 3 × 3 आ जाएगा, ए मतलब 3, ए इज इक्वल क्या मिला 3, बी इज इक्वल क्या मिलेगा, देखो ये माइनस है तो ये माइनस यहां आ गया इधर सामने, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो 3 × √2, और सी की वैल्यू क्या आ गई, तो 1 है तो 1 आ गई। अब इसको रख देंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मानक बहुपद में, किसमें रख देंगे है ना, मैं मान रखने पर, मैं मान
रखने पर। ठीक है, चलो ए की जगह पर मान रखो, ए का मान कितना है 3, तो 3x2। बी की जगह मान रखो तो बी का मान क्या है -3√2 और ये वाला x प्लस, अभी प्लस में तो प्लस का 1, या सेकंड वाला हो गया आपके पास में। तो इस प्रकार से आप सेकंड कर सकते हो। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारे पास में 0√5 है। तो अब मैं वो दिया है ना जो शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है, वो क्या है, शून्यकों का योगफल यह है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, √5 है। अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबरी से माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 देकर के रखिए, देखो 0 देकर रखिए, ये माइनस बी अपॉन ए 0 के अपॉन में 1 लगाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात अल्फा इंटू बीटा की बात, तो अल्फा इंटू बीटा कितना देकर के रखा है √5, तो इसके अपॉन में क्या, हाँ √5, इसके अपॉन में 1 ले सकते हो, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए और इसकी वैल्यू देकर के रखिए √5, ये √5 हो गया सी अपॉन ए। ए की वैल्यू देखो यहां पे 1 लगा सकते हो, तो ए का मान क्या मिला आपको 1, बी का मान क्या मिला आपको 0, देखो बी का मान 0 मिला, सी का मान क्या मिला √5 मिला। तो आप इसमें मान रख दोगे ax2 + bx + c में मान रखने पर। अब ए की जगह पर क्या रखोगे, तो ए की जगह पर आप रखोगे 1, मतलब ax2, क्योंकि 1 का कोई मीनिंग नहीं है। बी की जगह पर 0, कोई मतलब नहीं है। सी के प्लस पर करनी में 5, तो ये प्लस में करनी 5, ये उत्तर हो गया आपका थर्ड का। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, फोर्थ वाले की ओर, 1,1 पर, है ना। तो 1,1 में क्या होगा, तो देखो मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूं कि 1,1 देकर के रखा तो दिया है, हो गया क्या आ गया, दिया है आपका, दिया है आ गया शून्यकों का योगफल बराबरी से 1, शून्यकों का गुणनफल बराबरी से 1, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 आ गया, माइनस बी अपॉन ए, इसके बटे में कुछ नहीं लगाया तो 1 लगा दिया, फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल हमको पता है सी अपॉन ए होता है, इसके जगह 1 दिया तो 1 ले लिया सी अपॉन ए, ए के प्लेस पे कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लिया। अब ए यहां पे भी 1 आ रहा है, यहां पे भी 1 आ रहा, तो ए का मान 1 मिल गया, बी का मान ये वाला माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी 1 मिल जाएगा, और सी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम, ax2 + bx + c में मान रख देंगे, में मान रखने पर, तो मान रखा हमने एक ही जगह 1, तो 1 रखने से a कम जैसा कम ऐसा, और b में अगर 1 रखते हैं तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, और 1 x में छुपा है, और फिर प्लस सी, तो प्लस सी में की जगह पर क्या आएगा 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है क्या देकर के रखा है, दिया आपको देकर के रखा शून्यकों का योगफल -1/4, शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/4, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं कि माइनस बी अपॉन ए देकर के रखा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -1/4 इज इक्वल -b/4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/4 इज इक्वल b/4 b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप जानते हो सी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा 1/4 देके रखा है, सी आर ये ए आ गया, देखो ए की जगह पर 4 है, यहाँ पे भी ए की जगह पर 4 है, तो ए बराबर 4 मिल गया, बी की जगह पर क्या मिलेगा, बी की जगह पर ये वाला 1 मिल जाएगा, सी की जगह क्या मिलेगा, ये वाला 1 मिल जाएगा। आपको मान रखना है मानक द्विघाती बहुपद में, क्या बोलते हैं इसको, मानक द्विघाती बहुपद में मान रखने पर। तो मान रखोगे ए की जगह पर 4 रखोगे तो 4x² हो जाएगा, और बी की जगह पर 1 रखोगे तो 1 से ही हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक 1 है तो 1 से लिखते हैं उसको, सी के जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा बहुपद का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,1, क्या है 4,1 मतलब दिया है शून्यकों का योगफल बराबरी से 4, शून्यकों का गुणनफल बराबरी से 1। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अल्फा प्लस बेटा इज इक्वल -b/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर 4 देके रखी है -b/a, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके बाद में क्या है ये अल्फा इंटू बीटा, चलो इसको और सॉल्व कर लेता हूं, इधर ले आता हूं -4/1 बराबरी से b/a। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे करके रखी है 1 c/a, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या 1, यहां पर देखो a की वैल्यू 1 है, यहां पर a की वैल्यू 1 है, प्रॉब्लम कहां है ये, आपको प्रॉब्लम जो है ए में ही आएगी, बाकी प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, बीसी से कोई लेना देना ही नहीं है, ए को बराबर करना है बस। अब यहां ए तो बराबर है, खाली कितने क्वेश्चन में दिक्कत थी, 1, 2 क्वेश्चन में बराबर करने में दिक्कत थी, क्योंकि देखो इसमें ए की वैल्यू 3 है, इसमें ए की वैल्यू 4 है, जबकि यहां ए की वैल्यू नहीं है,
इसमें इसके अपन में कुछ नहीं तो एक ही वैल्यू वन वन हो जाएगी, इसमें फोर फोर है तो फोर फोर हो जाएगी, इसके अपन में कुछ नहीं तो वन वन हो जाएगी, इसके अपन में कुछ नहीं तो वन वन हो जाएगी। तो एक का मान खाली है दो प्रश्नों में, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना और अच्छे से कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन अपने आप इजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब ए का मान आपको मिला वन, बी का मान आपको मिला, बी का मान बोलो माइनस फोर, सी का मान मिला कितना मिला वन, मान रख देंगे नियम मानक द्विघाती बहुपद में, चलो रख दो, ए की जगह कौन आएगा वन, तो वन आएगा तो ये वन एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस बी की जगह आएगा माइनस चार, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस सी की जगह क्या आएगा वन। आप इसको प्रॉपरली लिखोगे जैसे कैसे दिया हो गया, यहां पर एक चीज और आना था ज्ञात करना है, क्या आना चाहिए था ज्ञात करना है, क्या करना है द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। आपको मैं पूरी मेथड बता रहा हूं, सबसे पहले दिया है फिर ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, फिर ये दिया है से आप हल कर रहे हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी, ये हम जानते हैं है ना, ये हम क्या करते हैं हम जानते हैं, मैं आएंगा ये सारा पार्ट। उसके बाद में यहां पर आप लिखोगे मैं मान रखने पर, मैं मान रखने पर, और उसके बाद में इसको आप सॉल्व करोगे, एक बार मान रख देना और उसके बाद में सॉल्व करके लिख देना तो आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई समस्या रहती है आपको है ना, किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और उसके लिए आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर है 8305868010, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास में चैप्टर टू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना, तो आप लोग भी कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो पूरे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन करा दिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, यहां से ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीन हो गए, एक है ना, और उसके बाद में दो, और कभी कभी ये दोनों में से कोई पूछ लिया जाता है ना, और अगर हार्ड पेपर आना ही होगा निकालना ही होगा तो ये पूछ लेंगे वो, तो ये इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।